हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूट्यूब के पॉडकास्ट के बारे में। ये एक नया फीचर आया है। ये पॉडकास्ट जो है किस काम के लिए यूज होता है, ये पहले जानना ज़रूरी है। अगर आप एक क्रिएटर है तो ये जो फीचर है इससे क्या होगा, आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। तो इसको यूज़ कैसे करना है और ये है क्या चीज़, ये पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बताना ये चाहूँगी कि YouTube के तीन ऐप्स है, जो कि है YouTube का ऐप, मतलब कि ये जिस ऐप पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक YouTube का ऐप है, मतलब YouTube मेन जो YouTube ऐप है। इस ऐप के माध्यम से आप किसी वीडियो को देख भी सकते हैं और अपने चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसा ही एक और ऐप है जिसका नाम है YouTube स्टूडियो, मतलब क्रिएटर स्टूडियो, जिससे कि आप अपने वीडियोस का, अपने चैनल का एनालिटिक्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और एक एप्लीकेशन नया आया है, वो है कि YouTube म्यूज़िक। नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, लेकिन उतना भी ज़्यादा पुराना नहीं है। तो YouTube म्यूज़िक है, ऐसा है कि YouTube म्यूज़िक में आप कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। ये अभी बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, मतलब बहुत सारे लोग इस ऐप के माध्यम से गाने सुनते हैं। कोई भी क्रिएटर अगर अपना वीडियो, मतलब अपने म्यूज़िक वाला वीडियो, कोई भी वीडियो अगर इस ऐप में डालेंगे तो आप उसको, मतलब बिना वीडियो देखे सुन सकते हैं और चाहे तो वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपलोड कैसे करना है, YouTube म्यूज़िक में कैसे अपलोड करना है, ये बात है। तो ये जो अपलोड करने का तरीका है, यही है मेनली पॉडकास्ट, मतलब कि आपका जो स्टूडियो है, मतलब गूगल क्रोम ब्राउज़र से जो आप अपना YouTube स्टूडियो ओपन करते हैं, उसमें एक नया ऑप्शन आया है जिसका नाम है पॉडकास्ट। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पॉडकास्ट में अपना वीडियो कैसे अपलोड करना है। तो अगर आप पॉडकास्ट में अपना वीडियो डालेंगे तो क्या होगा, आपका यूट्यूब ऐप में भी व्यूज आएंगे और यूट्यूब का जो म्यूजिक ऐप है उसमें भी आपका वीडियो दिखेगा। तो यूट्यूब म्यूजिक ऐप से अगर कोई आपका वीडियो देखेगा या तो सुनेगा तो वहां पर भी ऐड आएगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो उसमें भी ऐड आएगा और उसमें भी आपको, उससे भी आपको पैसा मिलेगा। यही बात है कि आपकी जो अर्निंग है वो डबल डबल हो जाएगी, मतलब कि कोई YouTube ऐप से देखेगा तो उसमें भी आपको आपको पैसा आएगा और कोई YouTube म्यूजिक ऐप से देखेगा या सुनेगा तो भी, अगर सुनेगा तो भी उस पर ऐड आएगा और वहां से भी आपको पैसा मिलेगा। तो चलिए, कैसे पॉडकास्ट में अपना वीडियो डालना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। अभी मैंने अभी तक डाला नहीं है तो मैं अपने चैनल का डालूंगी और आपको वैसे दिखाकर आपको सिखाऊंगी, अपने फ़ोन से करूंगी तो आपको भी आसानी हो जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है तो भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डर प्ले करती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना है जो क्रोम ब्राउज़र है हमारे फ़ोन में, क्रोम ब्राउज़र में जाकर सर्च करना है, यूट्यूब स्टूडियो लिखना है। तो YouTube स्टूडियो मेरा पहले से लिखा हुआ है, मैंने उस पर क्लिक किया है और उसके बाद देखिए सबसे ऊपर जो लिंक आ रही है, देखिए YouTube स्टूडियो लिखा हुआ है, इसके नीचे ये लॉगिन है, लॉगिन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका YouTube स्टूडियो जो है वो ओपन हो जाएगा। जिस चैनल का आप करना चाहते हैं वो चैनल अगर ये नहीं है तो आप ये राइट साइड के ऊपर में ये जो लोगो है इस पर क्लिक करके स्विच अकाउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इस चैनल का करना चाहती हूँ, हिंदी चैनल का, तो उस पर मैंने क्लिक किया है और उसके बाद देखिए चैनल का डैशबोर्ड आ चुका है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो कंटेंट का आइकॉन है वीडियो का, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सारे वीडियोस, लाइव्स जो भी है, प्लेलिस्ट, पॉडकास्ट, बहुत कुछ आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये है प्रोमोशंस। प्रोमोशंस से अभी हमारा मतलब नहीं है, यहाँ से आप अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं गूगल एडवर्ड के थ्रू। हमें अभी पॉडकास्ट में जाना है, तो पॉडकास्ट में मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर देखिए मेरा कोई भी वीडियो नहीं है। तो ये देखिए, ये न्यू पॉडकास्ट लिखकर ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करना है और देखिए दो ऑप्शंस आए हैं। एक है क्रिएट ए न्यू पॉडकास्ट, मतलब न्यू पॉडकास्ट प्लेलिस्ट आप बना सकते हैं, और एक है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट है कोई भी एक प्लेलिस्ट को उठाकर आप पॉडकास्ट में डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट ए न्यू पॉडकास्ट पर क्लिक कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए टाइटल लिखने को बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ मैं टाइटल लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ समथिंग टू से, तो लिख लेती हूँ और इसी को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। देखिए इसके नीचे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ से कॉपी करती हूँ और डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देती हूँ।
और देखिए राइट साइड में देखिए एक फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है, तो यहाँ पर ये एक्सेस मांग रहा है तो अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर ना स्क्वायर शेप का फ़ोटो चाहिए आपको, पहले से एडिट करके रखना है, तो मैंने पहले से ही कट करके इसको क्रॉप करके रखा था, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया है और ये देखिए अपलोड हो रहा है और ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अभी नीचे का जो ये क्रिएट का बटन है ये देखिए ये भी ब्लू कलर का हो चुका है, तो अभी क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है तो पॉडकास्ट का जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए मेरा ये प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर मेरा कोई वीडियो नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये ऐड वीडियोज़ कहकर ब्लू कलर का आया है, इस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद देखिए दो ऑप्शंस आए हैं, अपलोड न्यू वीडियोज़ और चूज़ एग्जिस्टिंग वीडियोज़। तो न्यू वीडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं या तो चूज़ एग्जिस्टिंग वीडियो जो आपने अपलोड कर रखा है उसमें से भी डाल सकते हैं। तो मैं दूसरा वाला मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और देखिए उसके बाद मेरे सारे वीडियोज़ यहाँ पर आ चुके हैं, उनमें से मैं कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर सकती हूँ। और देखिए दाएं साइड में राइट साइड में देखिए आ चुके हैं ये जो मैंने सिलेक्ट किया है और ऐड के बटन पर मैंने क्लिक किया है और देखिए ये जो वीडियो है मेरा ये वीडियो आ चुका है पॉडकास्ट में, ठीक है। तो इसी तरह से हम और भी वीडियोस ऐड कर सकते हैं। देखिए राइट साइड में ऊपर ऐड वीडियोस कहकर आया है, उस पर क्लिक करना है और फिर से हम कोई भी वीडियो उठाकर डाल सकते हैं। तो ऐड वीडियोस के बटन पर मैं क्लिक करती हूँ फिर से और देखिए अभी फिर से आ रहा है कि न्यू वीडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग वीडियो है उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से जो मुझे चाहिए वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो अभी पुराने वीडियोस में से मुझे डालना है, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगी जो भी मैंने टाइटल रखा होगा उस वीडियो का, जो भी वीडियो मुझे डालना है, तो मैं यह लिख रही हूँ जी कॉयल। तो जी कॉयल के बारे में जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं वो सब यहाँ पर आ चुके हैं और इनमें से मैं सिलेक्ट करूँगी एक एक करके जो भी मुझे डालना है। तो आप भी इसी तरह से कीजिए कि जो वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं उनमें से जो भी आप चाहते हैं कि म्यूज़िक में दिखे वो वीडियो सिलेक्ट कीजिए और पॉडकास्ट में डाल दीजिए, तो वो वीडियो जो है ना यूट्यूब म्यूज़िक के ऐप में दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में आ चुके हैं कौन कौन से वीडियोज़ मैंने सिलेक्ट किया है और मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद देखिए ये पॉडकास्ट के पोर्शन में देखिए सारे वीडियोज़ आ चुके हैं, अभी ये सारे वीडियोज़ जो है ना यूट्यूब म्यूज़िक ऐप में दिखेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने वीडियोज़ को यूट्यूब पॉडकास्ट में डाल सकते हैं और अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद और भी अगर प्लेलिस्ट बनाना हो तो भी बना सकते हैं या तो इसी प्लेलिस्ट में आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूट्यूब पॉडकास्ट को कैसे यूज़ करना है और कैसे अपनी अर्निंग को बढ़ाना है। तो इस तरह से आप भी अपने वीडियोस को अपने अगर म्यूज़िक वीडियो है, अगर डांसिंग वीडियो है तो भी आप कर सकते हैं, या तो कोई भी अगर आप कोई बातें कर रहे हैं, कोई कॉमेडी कर रहे हैं वो भी वीडियो आप डाल सकते हैं। कोई भी वीडियो आप पॉडकास्ट में डालिए और डबल डबल अर्निंग कीजिए, मतलब यूट्यूब म्यूज़िक में भी आपके वीडियोज़ आएंगे तो आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी लगभग। सो दोस्तों आज की जानकारी यहाँ तक ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।